वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्विज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्विज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा। और इस क्विज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्विज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड किस अभियान के नेतृत्व के लिए दिया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, स्वच्छ भारत अभियान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाली 16 वर्ष एक्टिविस्ट का क्या नाम है जिसने UN महासचिव के सामने अपने सवाल और चिंताएं रखी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के किस नृत्य को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये नृत्य है सोडोल। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी को फीफा बेस्ट प्लेयर 2019 का खिताब दिया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है मेगन रेपिनो। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स के द्वारा जारी की गई दुनिया की 250 सबसे सम्मानित कंपनियों में भारत की किस IT कंपनी को तीसरा स्थान मिला है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये कंपनी है इंफोसिस। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2019 मनाया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है अमेरिका। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकला के द्वारा जारी की गई स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में कौन से स्थान पर है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 131वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस गैस से संचालित रॉकेट इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये शहर है पटना। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के ड्यूएलेक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए,
वॉटसन तथा क्रिक ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, बॉम्बे हाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, खंबा की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, यहाँ देखिए नागार्जुन या बांध होगा, सॉरी सागर लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर है, जबकि यहाँ लिखा है गोदावरी, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, स्वर सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये अधिकार है राष्ट्रपति को। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, अकबर द्वितीय ने। ये थी आज की क्विज। आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको अगर ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।